गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एयरमैन, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब जो है एक्टिव पैसिव कराएं जो है उसमें दिक्कत होती है ज़्यादा, तो हम बता देना चाहें बी प्रोहिबिटेड स्मोकिंग थी। जब हम इसमें देखेंगे बी प्रोहिबिटेड, तो ये कौन सी फार में फर्स्ट फार में, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाता है, ठीक है। बिल कंटिन्यूस होता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। इज बिंग में नहीं जाता, इज में जब जाएगा जब वो सेंटेंस कंटिन्यूस में ही हो, हेड बिन में जाएगा नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। आंसर चेक कर लेंगे, ओके, आगे बढ़ेंगे। हु हैड लाफ्ड एट यू, तो इसमें बाई हुम से बनता है, हु वाला हमेशा बाई हुम से बनता है, तो बाई हुम वाले कितने हैं, ये तो है नहीं भाई, ठीक है। हैड है तो हैड वाला है भाई, हैज है तो हैव बीन में जाएगा, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन जो कुछ है उसमें बीन में जाएगा। तो ये बताइए डब्ल्यू एच के बाद इसमें हैज बीन है, बीन लगाया गया नहीं लगा ना, बर यू बीन लगाया केवल, कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डब्ल्यू एच वाला बर्ड होता है जो ये, यहाँ पर तुरंत सब्जेक्ट नहीं आता, डब्ल्यू एच के बाद तुरंत बर्ब आती है, बर्ब तो इसमें आई नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो अंदर कौन सा हो गया, ये अंदर हो गया कि नहीं। हेड बिन से बनेगा, कुछ नहीं करना, लाफ्ट एट है, ये एट लगा रहेगा इसके साथ में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये हु गेव यू मनी, ठीक है, हु गेव यू मनी, ओके। तो जैसे हु गेव यू मनी, तो ये किस में है, गेव मतलब क्या है, सेकेंड फार्म में, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा कि नहीं बताइए। तो पास्ट कंटिन्यूस में ये है क्या, ये हु बाज बाई, देखो हुम बा हु वाला बाई हुम से बनेगा, ये है हु वाला नहीं है, बाई हुम से नहीं बना, ये भी नहीं है, तो कौन सा, ये दोनों है, ठीक है। इसके बाद बर के बाद यू आया, बर के बाज यू के साथ बर आएगा कि नहीं बताइए, तो अंदर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग खुद, ठीक है। इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। जैसे ये हु टोर द कर्टन स्टार्टे, कर्टन माने होता है पर्दा, टोर माने होता है फाड़ना, पर्दे मतलब जो कल पर्दे कितने फाड़ दिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो बाई हुम से जाएगा, बाई हुम इसमें है, बाई हुम इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क भी उसमें साथ रहता है, कुल लोगों कुल में क्वेश्चन मार्क हटा देते, लेकिन ये ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क आता है। तो बाई हुम बर आएगा, कर्टन बर आएगा, देखो बर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो समझदार बच्चे की जो बात होती है, वो यहाँ पर टोर लिखा है, टी ओ आर है, तो बर टीयर टोर टर्न, टीयर माने होता है फाड़ना, ठीक है, फिर होता है टोर, टी ओ आर ई, फिर टोर्न, ठीक है। इसके साथ एक्टिव पैसिव में कौन सी बर्ब आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो टोर्न हो गई। टोर्न किस में है, अगर आप लोगों को ये बात पता होती तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेते, ये अंदर हो जाएगा, क्योंकि टोर्न एक ही में है, इसमें टोर लिखा है, टोर सेकेंड फॉर्म होती है, ये टोर्ड कर दिया, टीयर कर दिया गलत है, ये टोर कर दिया ये भी गलत है, समझ गए, टीयर टोर टर्न होती, तो ए आंसर होगा इस हिसाब से, ओके। दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल, ठीक है। यहाँ पर यदि आप नोन टू ऑल देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको बनाना है, पहचानना भी तो है ना चाहिए, इस चीज़ को बड़ा सोचना पड़ता है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसमें जो है नोन टू ऑल, नोन टू ऑल जिसमें लिखा है ना, तो ये पैसिव वॉइस है, इस बात को ध्यान रखना, नोन के साथ हमेशा टू आता है। एक्टिव पैसिव में कई बार पूछा जा चुका है यार, बोल में कि नोन के साथ क्या आता है, टू आता है, और एक्टिव पैसिव में नोन दे देगा, आई नो टू यू, मतलब नो यू, तो नोन बाई लोग लगा देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पॉयल, ये जब इसको पढ़ेंगे आप लोग तो पता लगेगा कि ये अंदर से ये, ठीक है, ओके। इज वाले हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा, इन उल्टा जाएगा ना,
प्रेसिडेंट कैंडिडेट में तो इंडिपेंडेंट में जाएगा, ये एक ऐसे में तो व्यक्ति में जाएगा कि नहीं, या अंदर हो जाएगा कि नहीं, आगे बढ़ेंगे ठीक है। These days most of the students do their assessments, ठीक है। दा तो लगा नहीं भाई, दा कहाँ दिया गया ये। आर इसमें कहाँ कंटिन्यू इसमें है क्या, नहीं जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं इसमें सेंटेंस में जो है जैसे दिस डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हमेशा ध्यान रखेंगे प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही शब्द, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ पे डू लगा इसके अंदर ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे ये दिस डेज है तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ही शुरुआत के ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा। और ये देखो दिस डे द असाइनमेंट, असाइनमेंट के आगे पहले दाल लगाए क्या, दाल इसमें नहीं है, इसमें दाल गुजर दिया है और आर बिंग भी कर दिया है, जबकि इसमें डू से शुरू है तो डू से तो होगा नहीं, मतलब आर बिंग में तो जाएगा नहीं, आर बिंग में जब जाता है जब ये सब्जेक्ट मतलब उसमें होता है कंटिन्यू इसमें ही होता है तब जाता है ठीक है। दिस डे मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट, इसमें दा घुसर दिया ये देखिए ठीक है, तो ये डू का इसमें कंटिन्यू इसमें जाएगा कि नहीं। तो दीज डेज द असाइनमेंट्स आर डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मोस्ट बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, थर्ड आंसर रहेगा ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इट इज़ टाइम, यहाँ पर मैं एक चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ, इट इज़ टाइम से शुरू हो कोई भी उसकी एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, इट इज़ टाइम फार से बनती है, तो एक ही ऑप्शन आप अगर देख पा रहे हो तो इट इज़ टाइम फार से एक ही बन रहा है और वही आंसर है ठीक है, आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं इसको ठीक है। आगे बढ़ के ओके फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं रिगार्डेड लिखा है ठीक है, अब जहाँ पर ये जो कोई भी सेंटेंस जो है अगर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ी है तो उसमें कंटिन्यूस तो आ नहीं सकता ठीक है, सॉरी मतलब प्रेजेंट की बात हो ही नहीं सकती, तो इसमें देखो प्रेजेंट की इज लगी है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसमें इज लगी है हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे भाई, इसमें हैज लगा है तो हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कौन सा आंसर हो जाए, एक ही ऑप्शन हो जाए बस हो गया, इतना ही दिमाग लगा हुआ रूल भी नहीं पता फिर भी हो जाएगा आपका ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से करेंगे ठीक है। अब जैसे आई डिडेंट स्पीक, तो ये डिड है डिड नॉट है, तो बाज बिंग बाज में जाएगा, बाज बर में जाएगा, ये ध्यान रखना है ठीक है। तो बाज बर में क्या है से शुरू होगा क्या, बिल्कुल नहीं शुरू हो सकता है, जैसे शुरू होगा बिल्कुल नहीं शुरू हो सकता ठीक है ठीक है, ये हाइट से शुरू हो सकता है बिल्कुल नहीं, तो क्या है ये कि ये बचा हुआ है जो बाज से शुरू हुआ है, बस आंसर हो गया अपना, कोई रूल मैंने लगाया नहीं लगाया, कोई रूल ही नहीं लगाया फिर भी मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस प्रकार से होते हैं। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, अपना मतलब पक्ष रखिए, किसी ने बोला कि काइंडली ऑफर योर रिमार्क, अपना पक्ष रखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, हमें ध्यान रखना है अभी ये कुछ नहीं है, सब बेकार है ठीक है, यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनते हैं, हमें ध्यान रखेंगे, चेक भी कर लेंगे ठीक है। फ्रेंड्स फ्रेंड जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, ये ऑड टू से जब भी कोई आ जाए ऑड टू है, तो ऑड टू बी मतलब ये सॉरी जो ऑड टू है ये जिसमें टू आ जाए उसमें टू बी से बनता है, टू बी से किस में शुरू हुआ है, एक ही अंदर है सीधा यही अंदर है और कोई है ही नहीं इसमें, टू बी किसी में लगा ही नहीं है, बस अंदर हो गया समझ रहे, ये हु रोट इट ठीक है। अब ये अब जैसे आप लोग समझ पाएंगे पा रहे होंगे रोट राइट रोट, ये सेकेंड वर्ब है, सेकेंड वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, तो ये किसी पास्ट इंडेफिनिटी है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा कि नहीं, सॉरी हाँ पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो बिल आ सकता है क्या, पास्ट कंटिन्यूस बिल आता है क्या, नहीं आता है ना, माइट आ सकता है क्या, नहीं आता है, बुड आता है क्या, बुड भी नहीं आ सकता, तो क्या अंदर हुआ, तो अंदर ये थर्ड ए बी अंदर हुआ कि नहीं, बी अंदर ठीक है, चेक कर लेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बिल है द प्रिंसिपल बिल अनाउंस द रिजल्ट ठीक है, तो बिल को बिल भी में बदल देते हैं, सेल को सेल भी में बदल देते हैं, बिल भी किसमें है, इसमें ये और किसी में बिल है, इसमें आर दिया है इसमें भर दिया, ये कुछ नहीं सब गलत है ठीक है, तो बिल भी वाले अंदर जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है। सम पीपल्स बार हेल्पिंग हेल्पिंग द बॉन्डेड मैन ठीक है, हेल्पिंग तो ये देखो बर के बाद आई एन जी फॉर्म आ रही मतलब बाय द एक्टिव एक्टिव है ठीक है, तो एक्टिव जो है एक्टिव है ठीक है, अब एक्टिव को हम लोग कंटिन्यूस बताएंगे, सॉरी एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पर ये जो ये मतलब बर्बिंग बर हेल्पिंग वर्ब है तो ये कंटिन्यूस में रहता है लेकिन बींग लग जाता है बींग। अब कंटिन्यूस में प्रेजेंट में तो जाएगा नहीं, कंटिन्यूस बनेगा नहीं, ठीक है। अब ये इसमें तो लगा ही नहीं बाज, इसमें लगा है लेकिन ये बींग नहीं लगा इसमें, अंदर ई अंदर हो गया, ठीक है समझिए। द सर्वेंट बिल, बिल है तो बिल के बाद क्या मैंने बताया था, बिल भी आएगा। बिल भी किस में, बुड भी और सेल भी है तो उसमें होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बिल भी एक ही ऑप्शन है, वो आंसर हो गया, ठीक है। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल होता है, इससे भी सरल आते हैं बहुत में। आई वाज ओब्लाइज टू गो, अगर इसको आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये थर्ड बार बाज के बाद थर्ड बार में लगी है, बाज के बाद थर्ड बार में, इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि ये जो है पैसिव वॉइस है। और ये बाज कब आता है, जब जो है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हो, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में है, इसमें है, आंसर हो गए। बस इतना करना है, ठीक है। दे एस्टेब्लिश दिस, एस्टेब्लिश्ड है तो देखिए ये सेकंड बार में तो बाज में जाएगा कि नहीं, बाज बिंग में तो जाता नहीं, यहाँ पे बाज लिखा होता तब बाज बिंग में आता, ये गलत है। ये बाज में जाएगा ये हो सकता है, ये ऐड नहीं आ सकता क्योंकि बाजी में जाएगा यही अंदर है, बी अंदर है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट अर्थ मूव्स, फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बिलीव भी लिखा है, तो बाज से बनेगा कि नहीं बताइए, मतलब बाज में जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस इसमें है, बाज के बाद बिंग जब आएगा जब पास्ट कंटिन्यूस इसमें भी होगा तब, ठीक है। इज बिलीव आ नहीं सकता, हेड आ नहीं सकता, तो क्यों अंदर हो गया ये, ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। दे डिड नॉट, अब आ गया डिड नॉट आ गया, ठीक है। डिड आ गया तो मतलब बाज वाला अंदर लगाना है, इसमें बाज वाला कौन सा, एक ही अंदर है बस, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है। बाज वाला डिड वाले में बाज वाला आता है अंदर, ये अंदर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं भाई, ठीक है। दे फंडेड द फंड स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है। फंड जो है फर्स्ट फार्म है, और फर्स्ट फार्म जो है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा है, बाज वाला होता है क्या, बिल वाला होता है क्या, नहीं ना। आर्बिंग जब आता है, जब ये कंटिन्यूस में ये भी होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा बचा, सी बचा कि नहीं, ठीक है सी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग जो है करेंगे एक्टिव, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में।